स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में एक सर्कल में मूव कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसकी मोशन सर्कुलर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन। आपका ये जो फैन मूव करता है, ये रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में, एक सर्कल की फॉर्म में मूव करता है, तो हम कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। स्टूडेंट्स, आपने डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कवर करती है एक खास डायरेक्शन में, हम तो हम कहते हैं कि इस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब ये तो लीनियर मोशन का केस हो गया। लीनियर मोशन मतलब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है एक खास डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी हम स्टडी कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है, एक सर्कल में मूव करती है जब बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जब सर्कल में मूव करेगी तब भी तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में कोई डिस्टेंस कवर करती है एक खास डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर तो वो लीनियर मोशन है तो क्या होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर सर्कुलर मोशन है, बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके आप प्रॉपर डेफिनेशन देख लें। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप इस फिगर को अगर गौर से देखें, ये हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी एक सर्कल में सर्कमफेरेंस में, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस की डायरेक्शन सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है। तो पहले वो इस पॉइंट पे थी, पी पॉइंट पे, देन वो पी वन पॉइंट पर पहुंच गई है। तो यहाँ से उसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी उसे क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली है तो ये एक डिस्टेंस है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी है और ये सर्कुलर मोशन का डिस्टेंस है, तो इसे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप ये सेकंड फिगर देखें। इस फिगर में हमारे पास पहले बॉडी इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, देन वो इस पॉइंट पे मूव कर रही है, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो उसका एंगल क्या कहलाएगा, थीटा वन। उसके बाद वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंच गई, तब वो एंगल कौन सा होगा, थीटा टू। यानी कि हर बार सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए एंगल चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितनी चीजें आती हैं, डिस्टेंस यानी कि फासला और डायरेक्शन है, उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर मैग्नीट्यूड बेशक सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, थीटा वन, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, थीटा टू। नेक्स्ट है हमारे पास साइन कन्वेंशन। फॉर एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन इट इज पॉजिटिव। क्या आप एमसीक्यूज में आ सकता है आपके पास, कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेगी बॉडी सर्कुलर मोशन में, तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो हम कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की आप स्टेटमेंट देखें, ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन द इरेक्ट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यह मतलब है, आप इस फिगर में देखें कि आप उस बॉडी को जो मूव कर रही है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड से पकड़े और फिंगर्स की आपने रोटेशन और आपने फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल करनी है। जब थंब जो है, ये आप इस फिगर से देख सकते हैं, फिंगर्स डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन,
और जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन हमारी इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स। एसआई यूनिट इज रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट का स्टूडेंट्स यूनिट था मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन। रेडियन की भी डेफिनेशन है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं एक एंगल जो आर्क ने सेंटर ऑफ सर्कल पे सबटेंड किया है जिसकी लेंथ जो है उस एंगल की लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन रेडियन। रेडियन तो इसका एसआई यूनिट है, लेकिन दूसरे यूनिट्स जिसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं डिग्रीज और रेवोल्यूशन, दो अदर यूनिट्स हैं हमारे पास किसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। स्टूडेंट्स एक पॉइंट ये भी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कब होता है स्टूडेंट्स? लीनियर मोशन में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होता है? सर्कुलर मोशन में। अब इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा, कोई एक हम लोग ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे जहां पर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी हो और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी। सपोज एस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक हमारे पास सर्कल है जिसकी लेंथ है वो एस है और रेडियस जो है वो आर है, विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल थीटा बना रहा है। तो एंगल थीटा ही हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देन इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमारे पास थीटा का फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। और ये हमारे पास यूनिट्स कौन से हैं? रेडियन। रेडियन के यूनिट्स में हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास एस के बराबर है। लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर स्टूडेंट्स? एस के बराबर है और रेडियस ऑफ सर्कल आर के बराबर है। तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप बन गया? एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ सर्कल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। और थीटा क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास रिलेशनशिप है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है और डिग्री भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी हो रेडियन में, अगर उसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। इन वन कम्प्लीट रेवोल्यूशन द लीनियर डिस्टेंस बाय अ पार्टिकल इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर कोई बॉडी एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करती है, तो वो तो एक सर्कल बन जाएगा हमारे पास। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है एस इज इक्वल टू 2πr। हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू 2πr। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने ये फॉर्मूला देखा था, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। यहाँ पर आप ये वाली एस की वैल्यू पुट कर दें, एस की जगह 2πr डिवाइडेड बाय आर, तो आर जो है आर से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 2π। तो 2π रेडियंस। स्टूडेंट्स इस स्टेप पर हमारे पास आंसर आ गया है कि 2π रेडियंस बराबर है 1 रेवोल्यूशन के। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो कितना एंगल होता है इसका? यहाँ पर 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 90, देन इस पॉइंट पे 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360। अगर कोई बॉडी पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएगी तो कितने डिग्रीज कवर करेगी? 360 डिग्री। तो 2π रेडियन बराबर आ गया 360 के, और 360 डिग्री किसके बराबर है? 1 रेवोल्यूशन के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2π जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर इसके नीचे 360 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 रेडियन।
इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2y. तो 360 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2y का आंसर आ जाएगा, ये जीरो नहीं लिखना है यहाँ पर. 360 डिवाइडेड बाय 2y, y की वैल्यू होती है 3.14. जब 360 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज. यानी कि एक रेडियन में हमारे पास 57.3 डिग्रीज होते हैं. नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे एंगुलर वेलोसिटी. सो इट्स सेम वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. तो इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का चेंज लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी, लीनियर वेलोसिटी. अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का चेंज लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम चेंज लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम रेट. तो टाइम के लिए हम डेल्टा टी लेते हैं. ये तो थी हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू. नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी सिंपल वर्ड्स में किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे, कौन सी वेलोसिटी स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी की, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. सेम फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी जो हमने इस स्टेप पे देखा, इसमें जस्ट आपने लिमिट अप्लाई कर दी. लिमिट का क्या है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, हमने जस्ट ये अप्लाई कर दिया. नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी. इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पता चलेगा. वही जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू की डायरेक्शन है हमारे पास. तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपने राइट हैंड रूल से ली थी, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेम एज इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो कि राइट हैंड रूल से आई थी, सेम एज इट इज वैसे ही हमारे पास राइट हैंड रूल से आएंगे. अब इसके यूनिट्स क्या है, SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड. स्टूडेंट्स अगर MCQ में पूछा जाए कि SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो आपने रेडियन पर सेकेंड लिखना है. इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन रेवोल्यूशन पर मिनट एंड डिग्री पर सेकेंड. ये SI यूनिट्स नहीं है, ये इसके अदर यूनिट्स हैं. इसके अलावा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है पर टाइम t माइनस वन.